आवाज आ रही? हेलो, क्या आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इको हो रहा है? अब देखिए, जरा आवाज आ रही है? अब आ रही है ना? वेरी गुड, अब तो आ रही है, बढ़िया, अच्छे से वीडियो भी दिख रहा है और स्लाइड नॉट विजिबल, यस स्लाइड भी आ जाएगी अभी। अभी भी देखना जरा, बहुत तेज आवाज आ रही है। एवरीथिंग इज ओके? तो तुमने जो ईयरफोन लगा रखा होगा तुम लोगों ने, शायद उसमें तो दिक्कत हो। पहले जरा आवाज की मैं बता दे, मुझे आवाज तो सही है ना, तो स्टार्ट करें, थोड़ा कम कर ले, आवाज कम थोड़ी होती है, आवाज थोड़ा सी ये है, ये माइक को मैं ऊपर और नीचे कर सकता हूँ खाली, बस बाकी तो आवाज तो मिल रही। मधुर आवाज आ गई मेरी, वाह अच्छा लगा, तारीफ सुन ली। सभी को लगता है कानों में चुभ रही है आवाज, चुभ रही है मेरी, तो जिसको चुभ रही है वो अपने जो डिवाइस है उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले, एडजस्ट करें उसको, ठीक है ना? क्लियर सब? ऑल राइट, सब सही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। अब तो ठीक है ना? अब वीडियो देखो, वीडियो आ रहा है, आवाज आ रही है और स्लाइड आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना? और अब क्या करते हैं, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कल तक जो हम पढ़ चुके थे वो था आयनिक बॉन्ड, भी चल रहा है हमारा, जो कल तक पढ़ चुके थे, जरा उसके बारे में बता रहा हूं कि हमने आयनिक बॉन्ड जो है वो पढ़ा, आयंस के बीच का अट्रैक्शन के बारे में बात की, फिर एक एनर्जी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? केटायन और एनायन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को बोला हमने लैटिस एनर्जी, यानी बोल दो केटायन और एनायन जिस अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड रहते हैं वो है लैटिस एनर्जी, ठीक है ना? वो तो थी लैटिस एनर्जी जिससे केटायन और एनायन क्या आपस में बाइंड है, ठीक है ना? अब
बात करें, ये तो हुआ लेटेस्ट एनर्जी। फिर वो कौन से दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर होते हैं, एक है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दो लेटेस्ट एनर्जी वाली बात। अब उसके बाद आपने एक और एनर्जी हमने कल पढ़ी, वो थी हाइड्रेशन एनर्जी। वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है जरा वापस से सुनना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जब किसी आयन को या आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डाल देते हैं, आयन या आयनिक कंपाउंड को किसमें डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। वाटर में जैसे ही डाल दिया अंदर हमने, उस वो आयन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। क्या करता है, वो आयन उस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे उस आयन के, वो आयन और उस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है और वो अट्रैक्शन है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन से एक एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी। ये हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होता है वो है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वो भी दो फैक्टर पर। पहला फैक्टर तो है चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जो है हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये लिखा था हमने कल, हाइड्रेशन एनर्जी के दो फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और दूसरा फैक्टर था हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना लेटेस्ट एनर्जी भी इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करती, यही दो फैक्टर थे सेम, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो दो अलग अलग एनर्जी की बात की जा रही है। तो यहां तक हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन ज्यादा किसका होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कल में से, एक Li प्लस और एक CCM प्लस, इन दोनों में से किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, Li प्लस और CS प्लस में से किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन उसका ज्यादा होता है जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। चार्ज डेंसिटी जब कभी भी वर्ड आता है ना, ध्यान रखना चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का मीनिंग हुआ चार्ज अपॉन साइज, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। यानी कि चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो, अब चार्ज तो दोनों पर सेम है, चाहे Li प्लस हो चाहे CN प्लस हो, दोनों पे प्लस वन चार्ज है, तो फिर क्या देखेंगे साइज। इन दोनों में से जिसकी साइज स्मॉल है, ठीक है ना, जिसकी साइज स्मॉल है उस पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी किस पर ज्यादा है, Li प्लस पर। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा कौन जोड़ेगा अपने साथ, Li प्लस, यानी कि इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। Li प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपसे पूछा जाए Li प्लस और CGM प्लस में से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कौन रिलीज करेगा, तो वो है Li प्लस, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे, इससे कई सारी ऐसे लेयर बनती चली जाएगी, ये जो लेयर बनती चली जाएगी जिसकी वजह से इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि Li प्लस और CGM प्लस में आपसे पूछा जाए हाइड्रेटेड आयन की साइज, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस, तो ना Li प्लस की ज्यादा होगी। और जिसकी रेडियस ज्यादा हो जाती है वाटर में जाने के बाद, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं, तो फिर उसका मूवमेंट, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए आपसे पूछा जाए Li प्लस और CGM प्लस में से लेस कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, तो Li प्लस, क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है। यहां तक की बात हमने कल कर ली थी। अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पोलराइजेशन। क्या है वो, पोलराइजेशन। देखो जरा पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मीनिंग पहले तो समझे जरा। एक केटाइन और एक एनायन है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केटाइन है और एक एनायन है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। उस आयनिक बॉन्ड के बनते समय, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, केटाइन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन।
जब वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक केटाइन और एक एनायन और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो केटाइन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एनायन की जो शेप है उसमें डिस्टोर्शन आ जाता है, एनायन की शेप में डिस्टोर्शन आ जाता है, यानी कि वो एनायन स्फेरिकल नहीं रह पाता, उसकी शेप में डिस्टोर्शन आ जाता है। एनायन का चार्ज गलत है, कहां गलत है एनायन का चार्ज, अरे वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एनायन का जब केटायन का पॉजिटिव चार्ज ही होता है उसमें, ये केटायन है, केटायन का न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एनायन है इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बस ये इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे शो मत दो, इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। आप सुनना जरा कि एक केटायन और एक एनायन है, तो केटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनायन की शेप में डिस्टोर्शन आ जाता है, एनायन स्फेरिकल नहीं रह पाता, ये मैं बोल दूं, मैं एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं किधर, केटायन की तरफ आ जाते हैं, केटायन वाली साइड। अब केटायन वाली साइड आते ही क्या होता है कि इस तरह का एक शेप बन जाती है, और इस एनायन की शेप में डिस्टोर्शन आ जाना, इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, एनायन की शेप में डिस्टोर्शन आ जाना, ये एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये केटायन की तरफ चले जाते हैं, मिक्स होने लगते हैं, और शेप में डिस्टोर्शन आना, शेप स्फेरिकल नहीं रहा, वो ऐसा स्फेरिकल ना होकर के उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे पहले ये एक केटायन, ठीक है ना, ये एनायन लिया, स्फेरिकल है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये केटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो रहा आपका वो केटायन, और ये जो एनायन था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मिक्स होने लग जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। अब आप देख रहे होंगे कि इस केटायन ने जैसे एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ऐसे शेयरिंग जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन की वजह से कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, कौन से कैरेक्टर आ गए, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने लगी, कौन से कैरेक्टर बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बोला जाता है, तो पोलराइजेशन से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। अब सुनना जरा, डिस्टोर्शन किसकी शेप में होता है, डिस्टोर्शन किसकी शेप में होता है, एनायन की शेप, ये डिस्टोर्शन कौन करता है, ये डिस्टोर्ट कौन करता है, केटायन, केटायन एनायन की शेप में डिस्टोर्शन लाता है, ध्यान रखना, इसलिए केटायन के लिए यूज की जाती है पोलराइजिंग पावर, ये टर्म जो केटायन के लिए यूज होगी वो क्या है, पोलराइजिंग पावर, और जो एनायन के लिए यूज होगी वो है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज हो जाने की एबिलिटी वो होती है एनायन के लिए, ठीक है ना, ये होता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये केटायन ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, क्योंकि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब मुझे एक बात बताना, आपने बहुत पहले प्रोटोकॉल पढ़ा था, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अब बताओ एक केटाइन और एक एनायन है, तो किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ, केटाइन का, इसलिए वो एनायन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है और एनायन की शेप में डिस्टोर्शन लाता है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, जिसकी वजह से कंपाउंड में क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि ये हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा आएंगे, यानी बोल दूं मैं आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड तो आयोनिक था, बॉन्ड एक केटायन और एनायन है, आयोनिक कंपाउंड बनने जा रहा था, लेकिन उसी समय क्या हुआ, पोलराइजेशन, जिसकी वजह से उसमें थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। इस पोलराइजेशन की वजह से ये कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है, 100% आयोनिक किसी को भी नहीं बोलते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है पोलराइजेशन प्रेजेंट होगा,
जैसे आप बोलते हैं कि KCl, NaCl जिसको आप आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट हो सकता है KCl, NaCl 99.9999% आयनिक हो, लेकिन उनमें भी 0.0001% पोलराइजेशन हो सकता है। तो मीनिंग ये थ्योरेटिकल बात है कि 100% जो है वो कोवेलेंट भी पॉसिबल नहीं है और 100% आयनिक भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी जरूर प्रेजेंट हो सकती है। हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन की, तो वापस सुनना जरा, केटाइन के लिए जो टर्म यूज होती है वो है पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए जो टर्म यूज होती है वो है पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट देखना जरा, पोलराइजिंग पावर, इट इज द पावर ऑफ केटाइन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। ये जो पोलराइजिंग पावर होती है, इस पोलराइजिंग पावर को फाई से लिखा जाता है, ठीक है ना, किससे लिखा जाता है, फाई। अब इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको फाई, इसी को बोला जाता है, तो टर्म समझ लेना पोलराइजिंग पावर, इसी को बोला जाता है आयनिक पोटेंशियल, इसको लिखा जाता है फाई से। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज होगा, केटाइन के लिए, और उसी पोलराइजिंग पावर को क्या बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। क्या होता है, ये है चार्ज ऑफ केटाइन अपॉन साइज ऑफ केटाइन। अब मुझे बताओ जरा, ये जो रिलेशन सामने लिखा है, इस रिलेशन को देखकर सिर्फ ये बताओ कि केटाइन पर अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। केटाइन पर अगर चार्ज इंक्रीज हुआ तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो एनायन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर केटाइन का चार्ज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए दूसरी बात मुझे बताना, केटाइन की साइज अगर स्मॉल है, मंजर सुनना, केटाइन की साइज अगर स्मॉल है, छोटी साइज का केटाइन है तो पोलराइजेशन, छोटी साइज का केटाइन है तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा कि कम करेगा, ज्यादा, वेरी गुड। एक बार में समझ गया बात कि अगर छोटी साइज का केटाइन है तो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, और अगर ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा लाएगा, समझ रहे हो। छोटी साइज का जो केटाइन होता है वो ज्यादा पोलराइजेशन करता है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है, ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा लाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसीलिए मैंने लिखा था एस ब्लॉक में से लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, आपको पता है ये तीन मेटल मैंने निकाल लिए थे, और मैंने कहा था इन तीनों मेटल के कंपाउंड जनरली कोवेलेंट बनते हैं। क्यों, ऐसा क्या है इन तीन मेटल के अंदर कि इनका जो कंपाउंड है वो जनरली कोवेलेंट हो जाते हैं। एक्चुअली ये स्मॉल साइज वाले आयन है एस ब्लॉक के, लिथियम सबसे छोटा इधर फर्स्ट है, इधर बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटे, ये छोटी साइज की होने की वजह से, इनकी स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्या ज्यादा है, इनकी पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है ना तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा लाएंगे, और इतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ला देते हैं अपने ही कंपाउंड में तो हमको बोलना पड़ता है कि कंपाउंड कैसा हो गया, कोवेलेंट हो गया, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर लाते हैं। इसलिए हमने जब एस ब्लॉक की बात कर रहे थे तब इनको हमने छोड़ दिया था, बताओ को लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से इनका फाई ज्यादा है, इट मींस ये हाई फाई केटाइन्स हैं। क्या है ये, हाई फाई केटाइन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम क्या बोला जाता है, हाई फाई केटाइन्स, मतलब इनका फाई हाई होता है, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए ये कंपाउंड में कैसे कैरेक्टर ज्यादा लाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लाते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम की भी प्लस थ्री चार्ज होता है, अब देखो यहाँ लिखा तो है चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा केटाइन पर उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। चलिए ये तो बात हुई पोलराइजिंग पावर की, अब एक टर्म और थी पोलराइजेबिलिटी। ये पोलराइजेबिलिटी किसके लिए यूज किया जाता है, केटाइन के लिए या एनायन के लिए, पोलराइजेबिलिटी एनायन, क्योंकि पोलराइज कौन हो जाता है, एनायन,
तो देखो जरा पोलराइजेबिलिटी का क्या मीनिंग है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय एडजेसेंट केटायन, ठीक है ना, इसी को आप बोल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, चलिए इसको फैक्टर को लिखो, मैं उससे पहले बताना, एक तो केटायन, बस ये समझना जरा पहले, ये केटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बस आप खुद ही बताना मुझे, ये मैंने लिया है एक एनायन और इस पर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब आउटर मोस्ट शेल का नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर एक और कंडीशन लेता हूं मैं, ये वही केटायन, सेम केटायन ले लिया, सेम केटायन, मैंने केटायन नहीं बनाया, बोल दिया सेम, एनायन में थोड़ा लार्ज ले लिया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बार। आप बता सकते हैं फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन किसमें आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेविएट हो सकते हैं, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में से कहां आपको ऐसा लग रहा है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से केटायन की तरफ जा सकते हैं, या कहां आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में से कहां पर केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, सेकंड वन, वेरी गुड, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि सेकंड वाले में आसानी से क्यों चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में क्या ऐसा कि वो आसानी से चले गए केटायन की तरफ, क्योंकि उसकी साइज लार्ज है, अगर साइज लार्ज होगी ना तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस अगर आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी एनायन में, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन का न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, और कम अट्रैक्ट करेगा तो बाहर जो है यानी कि केटायन वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। ओवरऑल मीनिंग इतना सा है कि एनायन की साइज जितनी लार्ज होगी ना, एनायन की साइज जितनी लार्ज होगी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ये बात समझना जरा जो मैंने लाइन बोली, बस एनायन की साइज जितनी लार्ज होगी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट और आयोनिक, वेरी गुड, यानी कि अब समझना जरा मुझे बताना फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी साइज लार्ज, फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी साइज लार्ज, वेरी गुड। अब मैं लेता हूं दो एनायन, एक एफ नेगेटिव लिया और एक सीएल नेगेटिव लिया, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब कहां से केटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट कर लेगा एनायन वाली साइड से, क्लोरीन में या फ्लोराइड में, क्लोराइड, क्योंकि इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज लार्ज है तो आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है केटायन, इसीलिए इसीलिए ये जो लिथियम था जिसकी हाई पोलराइजिंग पावर थी, जैसी पावर है हाई पोलराइजिंग पावर होने के बावजूद भी एल आई एफ आयोनिक कंपाउंड है जबकि एल आई सी एल कोवेलेंट है। देखो जरा दोनों जगह लिथियम है, एल आई एफ और एल आई सी एल में दोनों जगह लिथियम है, लेकिन एक जगह आप बोल रहे हो कि एल आई एफ आई नहीं और एक जगह बोल रहे हो एल आई सी एल को कोवेलेंट, सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन तो चेंज हुआ, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत हाई थी लेकिन फ्लोराइड को पोलराइज ही नहीं कर पा रहा था, फ्लोराइड खुद ही छोटा था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था और नहीं कर पा रहा मतलब पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने बोल दिया वो कंपाउंड आयनिक है, जबकि क्लोरीन लेते क्या होगा, क्लोरीन की साइज लार्ज होगी और साइज लार्ज होते अब उसने लिथियम ने एनायन की तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट किया, हमने बोल दिया कि कोवेलेंट, इसीलिए AlF3 इज एन आयोनिक कंपाउंड बट AlCl3 इज कोवेलेंट कंपाउंड। अरे बस ये ऐसा क्या हो गया, एल्यूमिनियम दोनों जगह एल्यूमिनियम प्लस थ्री है और एल्यूमिनियम प्लस थ्री की पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती, होने दो, अब उधर सामने कौन है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड को पोलराइज नहीं कर पा रहा, क्लोराइड को पोलराइज कर रहा, कोवेलेंट हो गया, इसलिए चेंज आते हैं, इसलिए हमको ये देखना पड़ता है कि यहाँ ये कोवेलेंट बन रहा था, यहाँ ये बन रहा था। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ, मैं वापस आता हूँ पोलराइजेशन के फैक्टर पर, पोलराइजेशन के फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, पोलराइजेशन के फैक्टर थे, ये पहली वाली स्लाइड जो थी ना, ये 5 जो लिखा है, ये भी एक पोलराइजेशन का फैक्टर ही था,
के टाइम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, के टाइम की साइज जितनी स्मॉल होगी पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ बात करी हमने साइज की, पोलराइजेबिलिटी जो है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब चलो एक और बात बताना मुझे, ये तो एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव वाली बात। एक आयन है ऑक्साइड लेता हूं, ऊपर चार्ज माइनस टू है, और एक आयन है एन पर माइनस थ्री चार्ज, ओ और एन, एक पर ओ पर माइनस टू चार्ज है और एन पर माइनस थ्री चार्ज है। आप बता सकते हैं कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कौन आसानी से पोलराइज होगा, नाइट्राइड पोलराइज होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। आपको पता है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है ना साइज लार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज लार्ज। या मुझे सीधा सीधा पूछा था आपसे ओ माइनस टू एन माइनस में से बड़ा कौन है, साइज में लार्ज कौन है, तो साइज में लार्ज नाइट्राइड है, और जो लार्ज है वही न्यूक्लियस से दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी में भी दो फैक्टर निकल के आए, वो है एनायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और दूसरा फैक्टर निकल के आया कि एनायन की साइज जितनी लार्ज होगी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी या उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक वो फैक्टर चारों फैक्टर को एक साथ लिख दूं, तो ये फैक्टर बन रहा, जरा देखना, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन, दूसरा फैक्टर है पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, तीसरा फैक्टर है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए। फोर्थ फैक्टर है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। और इन्हीं को कहा जाता है फजान्स रूल। एक वर्ड जो देख रहा हूँ आप हेडिंग साथ में चल रहा है फजान्स रूल। फजान्स रूल कुछ नहीं है, फजान्स रूल का वाला ये फैक्टर थे जो कि कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। अब आपको क्या होगा कि कोई भी जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ गया सेटिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, आपको बनाना है BCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 और BaCl2। चलिए इसमें आपको बनाना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, किसका ऑर्डर बनाना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का। अब आप कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर बनाएंगे तो क्लोरीन तो कॉमन है, तो बेरिलियम इसमें या जो केटायन है वो चेंज हो रहा है, बेरिलियम या मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यानी कि अगर मैं बेरिलियम से बेरियम की तरफ जा रहा हूं तो बताओ जरा साइज ऑफ केटायन इंक्रीज, और केटायन की साइज अगर इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन डिक्रीज, तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। बस ऐसा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ या तो कोई ना कोई चीज चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रहा है देख ले। चलिए तो हो गया, एक और मैं क्या देता हूँ आपको, कॉपी में बनाना है। हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल आप बनाए, कॉपी में देता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर वो लिखा तो है लेकिन थोड़ा सा सेटिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, एन एस सी एल एम जी सी एल टू एल सी एल थ्री SiCl आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है, ये बनाना है। SiCl4 AlCl3 MgCl2 NaCl में आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर कभी भी पूछा जाए, आयोनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, आपको सिर्फ पोलराइजेशन देखना ही ध्यान रखना। आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर जब भी पूछा जाए क्या देखेंगे, पोलराइजेशन देखेंगे। बन गया क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा, डिक्रीजिंग? अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। आपसे पूछा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो देखो जरा कैसे बनाना, मैं लिखता हूं यहां। क्लोरीन तो कॉमन है, क्लोरीन को तो भूलना है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। यहाँ एन ए पर चार्ज प्लस वन है, एम जी पर चार्ज प्लस टू है, एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस थ्री है, सिलिकॉन पर चार्ज प्लस फोर है, ठीक है ना। केटायन चार्ज, केटायन चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज, सोडियम से सिलिकॉन जा रहा है इंक्रीज,
केटायन पर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीज इंपॉर्टेंट। ये आयनिक कैरेक्टर का पूछा था, तो आयनिक कैरेक्टर का पूछा जाए चाहे कोवलेंट कैरेक्टर का पूछा जाए, ठीक है ना, आपको पोलराइजेशन से ही ऑर्डर बनाना है, दिमाग में और चीजें नहीं लानी है। ये ध्यान से सुन लेना, चीजें बहुत सिंपल है लेकिन कब क्या देखनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैटिस एनर्जी से नहीं बना, लैटिस एनर्जी थोड़ी पूछनी, यहां पर कुछ भी नहीं लगा देना, ये ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि कुछ भी मत लगा देना है, सिंपल सा, लेकिन किस का ऑर्डर बनाने के लिए कौन सा फैक्टर यूज करना है बस यही समझना है। आता सब है आपको, आता सब है। जब मैंने क्या बोला, अभी मैं 50 बार बोल दिया मैंने, जब कभी भी आपको कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाने के लिए कहा जाए, पोलराइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पोलराइजेशन, कुछ भी नहीं देखेंगे, मर्जी आई जो चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना मुझे। अभी आगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, फिर सॉलिबिलिटी आएगी, हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो कहां कौन सा फैक्टर देखना है यही इंपॉर्टेंट बात होगी। चलिए एक और पूछता हूँ आपसे, ये तो इसके लिए हो गया पूरा, ये बताओ जरा, AlF3 Al2O3 AlN कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर बनाना है, बताओ जरा कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ इसमें AlF3 Al2O3 और AlN। जब कभी भी कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाने के लिए कहा जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है जो आपके पास नहीं है, है? अरे वेरी गुड, है तो भी लगाना है, ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, खाली पोलराइजेशन देखना है, इसके अलावा जान लगे ना, मैं 50 बार बोलूंगा आयनिक कंपाउंड में मिलेगा। चलिए अब मुझे क्या देखना है, पोलराइजेशन देखना है बस, पोलराइजेशन के फैक्टर पता होना चाहिए। अब देखो एल्यूमिनियम तो कॉमन है तो एल्यूमिनियम को छोड़ो, यहाँ पर एफ नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ओ माइनस टू आयन है, यहाँ पर एन माइनस थ्री आयन है, एनायन चार्ज इंक्रीज, एनायन चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, पास हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। फैक्टर लगाने हैं, दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखना मुझे, इधर उधर की चीजें मत जोड़ देना। चलिए नेक्स्ट, ये बनाओ जरा, कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, सीआरओ किसका ऑर्डर बनाना है, कोवलेंट कैरेक्टर, ऊपर लिख दिया कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, क्वेश्चन 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, पहले वाले में मैं बोल देता हूँ कंपाउंड अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, सीआरओ CR2O3 CRO3, सेकंड वाले में लिखा है LiCl NaCl KCl RBCl CSCl, थर्ड वाले में लिखा हुआ है PbF2 PbCl2 PbBr2 PbI2, ये बनाओ जरा, ये तीनों ऑर्डर बनाओ, बन गया होगा, तो ऑर्डर बना गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, देखो जरा अब समझना वापस, तीन ऑर्डर आपके सामने है और सारा पोलराइजेशन का जो हमने पढ़ा वो रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, सारे फैक्टर आप देख सकते हैं बहुत आसान से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले है CRO CR2O3 और CRO3। अब एक बात सुनना जरा, जब कभी भी आपको एक ही एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाए, जैसे ऑक्साइड्स आ, सारे एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, तो आप क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, क्या निकाल लें, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां देखना जरा, CRO में क्रोमियम +2 स्टेट में है, CR2O3 में क्रोमियम +3 है और CRO3 में क्रोमियम +6 स्टेट में है। उसके बाद अब आपके पास इस तरह से हो गया कि यहाँ पर +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज, यहाँ +6 चार्ज, तो मैं लिख सकता हूँ केटायन चार्ज,
इंक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो ये ऑर्डर बड़ा सिंपल सा ऑर्डर। उसके बाद LICL, NaCl, KCl, RBCl और CSCl में जरा देखें, प्लस सिक्स कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला बेटा, क्रोमियम और साथ में O3 है ना, ऑक्सीजन का -2, ठीक है ना। अब सुनना जरा, LICL, NaCl, KCl, RBCl सभी प्लस वन चार्ज ही है। अब साइज देखना जरा, लिथियम से हम सीजियम की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ जरा केटाइन साइज, केटाइन ही बोलूंगा ना, लिथियम तो केटाइन ही है ना, केटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है, केटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे, तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर बने। PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, मैं आप देखना जरा, Pb तो कॉमन है तो छोड़ें, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ रहा है यहाँ पर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बताना जरा N9 साइज इंक्रीज, फ्लोरीन आयोडीन इंक्रीज, N9 की साइज इंक्रीज तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज, ये ऑर्डर है ना। इस तरह से आपको कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है तो पोलराइजेशन देखना है, और पोलराइजेशन के लिए आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, फैक्टर्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑर्डर बनाओ जैसे, अच्छा एक और बता, एक और पूछ लो, पूछ लो ना एक और, ये बताओ जरा SF2, SF4, SF6 आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ जरा, एक और पूछ लेता हूँ, FeO, Fe2O3 कोवेलेंट कैरेक्टर, ढेर सारे एग्जांपल बन जाएंगे, आप खुद ही बनाते जाएंगे बहुत आसानी से। एक और पूछ लो, मैग्नीशियम वाला भूल गया, बन गए दोनों, तो ये दो ही होता, अभी आगे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, देखो जरा, इसमें प्लस टू चार्ज, इसमें प्लस फोर चार्ज, यहाँ पर सल्फर में प्लस सिक्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, कैटायनिक चार्ज इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर का नहीं पूछा था, आयनिक कैरेक्टर का पूछा, तो अब चेंज करना पड़ेगा। वापस सुन लेना, इस सल्फर वाले का सुनना, इस वाले कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर पूछा ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब इसके बाद यहाँ देखो जरा, यहाँ Fe+2 स्टेट में, यहाँ Fe+3 स्टेट में, चार्ज निकाल लो पहले, सेम एलिमेंट के कंपाउंड है, चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकालते देखो जरा, Fe+2 चार्ज, Fe+3 चार्ज, कैटायनिक चार्ज इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ये बनेगा ऑर्डर, इजी है ना, अरे सिंपल है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना, बस पोलराइजेशन समझ में आ जाए, पोलराइजेशन में वो क्या रहा है, केटाइन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बस ये चीज समझ में आ जाए, अब कब ऐसा ज्यादा हो सकता है, इतना ना समझ में। चलिए इसके बाद एक फैक्टर और होता है पोलराइजेशन का, ये चार फैक्टर तो थे, इसके अलावा एक फैक्टर और है, वो है केटाइन का, वो है केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड है कि यहाँ पर तीन तरह के हमने केटाइन लिए हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं खुद लिख देता हूँ कि तीन तरह के केटाइन होते हैं, एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन केटाइन, कैसा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन केटाइन की बात कर रहे हैं। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउट ऑफ मोशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाला केटाइन है तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यस, यानी कि आउटर मोशन में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट केटाइन,
इनका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 18+2 होता है। अभी मैं बता दूं एग्जांपल क्या होता है कि 18 मतलब इसका मतलब 18+2 का मतलब है 18+2 का मीनिंग है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। ये पी ब्लॉक के जो लास्ट एलिमेंट है वो बनाते हैं। यहां लिख सकता हूं मैं लास्ट एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ये बनाते हैं इसका। जैसे बोरन फैमिली में सबसे नीचे आता है थेलियम, कार्बन फैमिली में सबसे नीचे आता है लेड, तो थेलियम लेड और बिस्मथ वाले जो कैटायंस बनते हैं ना वो इसमें एग्जांपल में आते हैं। एक होता है स्यूडो इनर्टगेस, स्यूडो इनर्टगेस कैटायन, ये इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन स्यूडो इनर्टगेस। ये भी था लोगों का बनते हैं डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में फिक्स है कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लस वन स्टेट में या फिर जिंक कैडमियम मरकरी प्लस टू स्टेट। जिंक कैडमियम मरकरी प्लस टू कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लस वन बस यही फिक्स है। अब ये क्यों लिखा गया है, ये तो केटाइन के टाइप लिखे हमने कि एक तो इनर्ट गैस कंफिगरेशन वाला केटाइन होता है, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला केटाइन होता है और एक स्यूडो इनर्ट गैस कंफिगरेशन वाला केटाइन। इनर्ट गैस कंफिगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और 18 कहां मिलेंगे आपको वो भी एग्जांपल लिख दिए मैंने, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लस वन स्टेट में हो या फिर जिंक कैडमियम मरकरी प्लस टू स्टेट में, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन वाले केटाइन्स कहलाते हैं। एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले केटाइन और इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है पी ब्लॉक में, तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले केटाइन ये भी कहां मिलते हैं हमको पी ब्लॉक में मिलेंगे। क्या मीनिंग है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन जस्ट उसके अंदर वाला जो शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन उसके अंदर वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऐसा कहां मिलेगा ये भी मैंने लिख दिया कि लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप, पी ब्लॉक के साथ ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप, पी ब्लॉक के ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है जैसे बोरोन फैमिली का लास्ट एलिमेंट थेलियम, तो थेलियम का जो केटायन होता है वो 18+2 होता है। कार्बन फैमिली का लास्ट मेंबर लेड, लेड का जो केटायन है Pb+2 वो इस तरह का केटायन होता है। तो अब क्या है यहां बिस्मथ प्लस 3, बिस्मथ भी आ जाएगा, वो तो सारे आ जाएंगे पी ब्लॉक वाले लास्ट एलिमेंट। तो इनका मीनिंग क्या है, ये कैटेगराइज क्यों किया गया है, इनकी एक पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होता है, पोलराइजिंग पावर ऑर्डर। अब वो सीधा ही याद रखना पोलराइजिंग पावर ऑर्डर, और वो ये है पोलराइजिंग पावर ऑर्डर कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो केटाइन है इनकी पोलराइजिंग पावर मिनिमम, फिर आता है 18+2 और फिर आता है 18 इलेक्ट्रॉन वाले केटाइन। ये एक पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है जो आपको याद रखना है इन केटाइन के। मिनिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होती है 8 इलेक्ट्रॉन वाले की, और मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होती है 18 इलेक्ट्रॉन वाले की। यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले केटायन है उनकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम और जो 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं उनकी पोलराइजिंग पावर मिनिमम होती है। अब इसका यूज कहां होगा, ये तो याद कर लिया, यूज कहां होगा इसका, इसका यूज होगा जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं KCl और एक कंपाउंड लेता हूं AgCl और मुझे आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। KCl और AgCl में आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। अब आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाएंगे आप देखेंगे कि ये जो K है पोटेशियम, इस पर K पर भी प्लस चार्ज और Ag पर भी प्लस चार्ज, सिल्वर पर भी, एक S ब्लॉक का और एक D ब्लॉक का है। तो जब डिफरेंट ब्लॉक वाले केटाइन्स आ जाएंगे ना तब आपको ऐसा करना है। K प्लस जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला केटाइन, K प्लस क्या है 8 इलेक्ट्रॉन वाला केटाइन है और Ag+1 18 इलेक्ट्रॉन वाला केटाइन है। बता सकते हो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, K प्लस या Ag+1, K प्लस और Ag+1 में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, Ag+1 की। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा आएंगे AgCl में, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किस में आएंगे KCl, इसलिए आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ही बनेगा, ठीक है ना। तो KCl और AgCl में से KCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए तो कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखना पड़ेगा, K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हाँ अब वही आ रहा हूँ मैं, दिव्यांश वही आ रहा हूँ। ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है
केसीएल केसीएल और एजीसीएल का जो मैंने ऑर्डर बनाया है आयनिक रिएक्टर का, आप बिना इस 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन के भी बना सकते थे। KCl आप देख रहे होंगे कि S ब्लॉक का कंपाउंड है और AgCl D ब्लॉक का कंपाउंड है, और मैं पहले बता चुका हूं कि S ब्लॉक वाले जो है वो मोर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो सीधा सीधा वैसे ही बन जाता KCl और AgCl कि KCl मोर आयनिक है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताना, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये 18 और ये वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है ना, खाली जी के जनरल नॉलेज यूज करना है। एक कंपाउंड, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड और कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर बनाना। कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में से कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर बनाना, तो बस हो गया। जिंक क्लोराइड का कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि वो डी ब्लॉक वाला हो गया, तो एक एस ब्लॉक एक डी ब्लॉक वैसे ही बना दिया। जबकि इसका जो एक्चुअल रीजन है ना, वो पोलराइजिंग पावर, एक्चुअल रीजन तो पोलराइजिंग पावर है। इसमें कैल्शियम प्लस टू आयन है और एक जिंक प्लस टू आयन है, और कैल्शियम प्लस टू 8 इलेक्ट्रॉन वाला कैटायन जबकि जिंक प्लस टू है 18 इलेक्ट्रॉन वाला कैटायन, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आप बिना इसके भी, इस फैक्टर के भी बना सकते हैं, तो इस फैक्टर की कोई इतनी जरूरत नहीं होती है। चलिए ये क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें पूछा है LiCl, BeCl, 2BCl, 3C6 फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड की जगह कोवेलेंट कैरेक्टर लिखो, ज्यादा सही लिखा है। कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर बनेगा? कुछ का आंसर थर्ड आ रहा है, कुछ का आंसर फोर्थ आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसको थ्री दे रहे हैं, कुछ फोर दे रहे हैं। अच्छा, थ्री फोर ही एक जगह फोर लग रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर तो थर्ड LiCl, BeCl, 2BCl, 3C6 फॉर थर्ड, बिल्कुल सही है इसका। और इतना आंसर, इतने बच्चे फोर्थ आंसर दे रहे हैं, फोर्थ कैसे आ गया यार? देखो कितना सिंपल था यार, LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, लिथियम प्लस वन, बेरिलियम प्लस टू, बोरोन प्लस थ्री, कार्बन प्लस फोर। बताना जरा केटाइन चार्ज इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आंसर थर्ड है। थर्ड और फोर्थ सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम कहा यार? कौन बोला थर्ड और फोर्थ? अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखना, ये बताना जरा, किसी से भी कर लो, साइज से कि चार से वो सेम ही आएगा ऑर्डर, और पहले चार से कर लिया करो तुम, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। ये बताओ जरा, ZN और ZNS क्या ऑर्डर पूछा है इसके अंदर? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है इसमें, एक ZnO और ZnS। इस ZnS को ध्यान रखना, जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है, नेम इसका जिंक ब्लेंड, ZnS का कॉमन नेम, इसको इस कंपाउंड को जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, एक है ZnS और एक है ZnO, जिंक दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर O माइनस टू, यहाँ पर S माइनस टू है, एक ऑक्सीजन एक सल्फर, टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो बताना जरा एनायन साइज,
एनएन की साइज अगर इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब तो सही था, एक जने का गलत है खाली बस, बाकी सबका सही था। इसके अंदर सबको समझ में आ गया, केवल एक का ही इसमें इनकरेक्ट आया और वो चला गया ऊपर, बाकी सबका फर्स्ट आंसर है। वेरी गुड, मतलब ये समझ में आ गया कि किस तरह से इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका वो एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा एप्लीकेशन से पहले, एप्लीकेशन से पहले एक ऑर्डर जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी है और सीधा आपको याद रखना है, वो ये है जिंक, को बता दूंगा इसका लॉजिक क्या है। इसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर याद रखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर और ऑर्डर ये बनता है। पहला काम तो है कि ऑर्डर याद होना चाहिए। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है जो कि ये बनेगा। इसका रीजन है जेड इफेक्टिव ऑफ इट, थोड़ा सा एक अलग है, वो इंक्रीज हो रहा है। जिंक कैडमियम मर्करी में एनएन का इंक्रीज हो, एनएन तो सेम ही है, जिंक कैडमियम मर्करी में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है ना कैटायन का, उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ये रीजन है इसका। आपको पता हो जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे ना, तो उस समय भी मैंने आपको एनाइन तो क्लोरीन है ना यार, एनाइन तो सेम ही है ना, एनाइन को देखेंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उस दिन की बात बता रहा हूं, जब हम ईएन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि जिंक कैडमियम मरकरी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन इंक्रीज होती है, क्योंकि जिंक से कैडमियम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, कैडमियम मरकरी में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव। याद करना होगा नहीं, वो आज के लिए इसी क्वेश्चन के लिए मैंने पहले बता दिया था वो कि जिंक कैड जनरली जब हम ईएन की बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन डिक्रीज होती है, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई, उसका रीजन है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ईएन इंक्रीज, तो वो तो ईएन वाला हुआ। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इतनी सारी चीजें याद रखने के बजाय आप सीधा ऑर्डर याद रखें, ठीक है ना, इस तरह से ये ऑर्डर जरूर याद रखें। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पोलराइजेशन, सॉरी सोल्युबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोल्युबिलिटी, कि सोल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। जब सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है, सोल्युबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जैसा सोल्यूट होगा वैसा सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट जैसा होगा वैसा क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, तब जाकर के डिसॉल्व हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया आपको, लास्ट क्लास में बताया कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं लाइक वाटर। तो एक तो पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कल भी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक डाउट पूछा था इसके इसी से रिलेटेड कुछ था, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा मैंने बोला। और अगर नॉन पोलर कंपाउंड, मतलब एक तो आयनिक कंपाउंड होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड, तो फिर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है ना तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। अब ये तो बात हुई ठीक है, इसमें सॉल्युबल होता है उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, जो जैसा वैसा उसमें घुल जाता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसके ऑर्डर कैसे बनाए जाए, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर कैसे बनाए जाएंगे, हमको क्या फैक्टर देखना है, कब कौन सा फैक्टर देखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, आज हम यहीं तक बढ़ेंगे, ठीक है ना। तक क्योंकि ये भी हो नहीं पाएगा, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा और मुझे बीच में इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा पूरी सॉल्युबिलिटी, तब जाकर के वो एकदम क्लियर होगी कि कब क्या देखना है। मैंने पहले ही आपको बोला कि
पोलराइज, जब कभी भी कोई भी चीज का ऑर्डर बनाने के लिए कहा जाए आपको उसी का फैक्टर देखना है, इधर उधर से नहीं सोचना है। जैसे कोऑर्डिनेट क्रिएटर आईनी क्रिएटर का ऑर्डर पूछा जाए तो आपको पोलराइजेशन सोचना है, सॉलिडिटी पूछी जाए तो क्या सोचना होगा ये बताऊंगा, तो कब क्या देखना है बस इतना ही इम्पोर्टेंट। ये पोलराइजेशन का एप्लीकेशन कैसे हुआ अभी समझ में आएगा, वो मैंने पढ़ाया नहीं है तब समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार पूरे केमिकल मॉडलिंग का पीडीएफ डाल देना, ऐसा नहीं होता बेटा मेरे पास पीडीएफ होता ही नहीं, मैं तो जिस दिन डाल देना उस दिन टर्न पे आओ, फिर वो हेलन के पास ही होता है, वहीं से ले लेना जो छूटा हुआ है, जो तुम्हारा छूटा हुआ है वो हेलन पे है। वो बड़ा सिस्टम बना रखा है कि वो रिवॉर्ड पॉइंट वाला जो मर्जी है जिसको आप अनलॉक कर सकते, वहां फोन करो ना। कल क्लास नहीं होगी, कल तो संडे है ना, तो जब भी अपना नेक्स्ट टर्न आएगा उस दिन हम ये पढ़ेंगे, सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आपने जो 11th में पढ़ा है ना उसको जरूर रिवाइज करके आना, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, बात की थी ना मैंने, जैसे कि आप हुआ तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो आया, कुछ लाइव डाउट सेशन का कुछ शेड्यूल बना है, शायद तुम्हारे पास अभी पहुंचा नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। चैप्टर अभी एंड होने में लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर मान, 2 लेक्चर तो कम से कम मान ही लो, 2 लेक्चर तो कम से कम मान लो, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे में कुछ पढ़ा नहीं पाते, और अभी 4-5 मिनट स्टार्टिंग है वैसे ही चले जाते हैं वो सेटिंग बिठाने में, माइक कभी क्या कभी क्या, और लास्ट के 5 मिनट इसलिए छोड़ दे रहा हूँ मैं कि यार अभी पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो ये लास्ट क्लास नहीं ना, इसके बाद भी आपकी क्लास होती है। होमवर्क में मैंने बोल दिया कि अपने क्वेश्चन हमारे 87 तक कर चुके थे, 87 के बाद जितने भी आपके पास जो है वो आप उनको करते जाएं, जो जो आपसे होते जाएं। एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जो पीछे क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उन पीछे वाले क्वेश्चन को जो है वो एक बार देख लें कि इसका आंसर ये होगा वो होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा, बस एनसीईआरटी ऐसा सच नहीं करनी। जो भी अभी नेक्स्ट वीक में आपका लाइव डाउट सेशन लगेगा तो उसके अंदर आप डाउट जो है आपके इंडिविजुअल जो डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर हम इंडिविजुअल टाइप के डाउट नहीं बताता मैं, कई बार यहाँ मेरे पास चैटिंग बॉक्स में चलता रहता है लेकिन मैं उस पर ध्यान देता ही नहीं, इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, तो वो इंडिविजुअल डाउट जो है वो डाउट काउंटर पर पूछे, तो नेक्स्ट वीक से डाउट काउंटर भी लगेगा तो उसमें पूछ लेना। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, ठीक है, थैंक्स।